हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जो कि थ्रेडिंग से रिलेटेड है। तो हम घर पर अपनी आईब्रो कैसे बना सकते हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो के बारे में बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मेरी आईब्रो अभी बहुत ही ज़्यादा आ चुकी है, तो मैं इसे घर पर ही आपको करके दिखाऊंगी, क्योंकि हर बार पार्लर जाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बताऊंगी कि आप थ्रेड से अपनी आईब्रो घर पर कैसे बनाएं। वैसे ये करना तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन जिसकी प्रैक्टिस नहीं होती है उन लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है करने में। तो प्लीज़ आप पहले थोड़ा ट्राई कर ले अपने हैंड पर या पैर के हेयर को निकाल के थ्रेड से, उसके बाद ही अपने आईब्रोज पर अप्लाई करें थ्रेड को, नहीं तो कभी कभार आईब्रो उड़ भी सकता है ना। तो प्लीज़ पहले थोड़ा प्रैक्टिस कर ले और आप सिर्फ फोरहेड से स्टार्ट करें ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद ही आप अपनी आईब्रो लाइन पे थ्रेड से अपने हेयर रिमूव करें। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम ये आईब्रो कैसे करते हैं। तो ये रहा मेरे पास थ्रेड, ये आईब्रो वाला थ्रेड है जो पार्लर में यूज़ होता है। आप नॉर्मल जो धागा होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा हेयर ढंग से नहीं आ पाता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। प्राइस तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है इसे लाए हुए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ये आ गई है, ये देखिए। सबसे पहले आपको इतना सा थ्रेड ले लेना है। तो ये नॉट लगा दी है, आप धागे को इस तरीके से पकड़ ले और इसकी 4 या 5 राउंड कर ले। पहले मैं अपना फॉरवर्ड से स्टार्ट करूंगी। तो देखिए, आपको धागे को इसी तरीके से चलाना है। अगर आप इस तरफ कर रहे हैं तो ऐसे, अगर आप इस साइड कर रहे हैं तो ऐसे रख के आपको इस तरीके से, इस तरफ से चलाना है। क्या होता है ना कि ग्रोथ आपकी बहुत जल्दी आ जाती है। जैसे मेरी ग्रोथ बहुत हैवी है तो बहुत ही जल्दी आ जाती है, 8-10 दिन में ही मेरी ग्रोथ आना शुरू हो जाती है और हेयर का कलर भी डार्क है तो दिखना शुरू हो जाते हैं। तो बार बार 10-12 दिन में पार्लर जाने से अच्छा है कि आप घर पर ही ट्राई करें। तो मैं कभी कभी, मैं अपना प्रॉपर शेप तो नहीं देती, क्योंकि जो पार्लर वाले करते हैं उतना तो परफेक्ट मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं काफ़ी हद तक उसका जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं वो निकाल लेती हूँ, जिससे मेरी आईब्रो बहुत ही क्लीन दिखती है। ये देखिए, मैंने यहाँ के बाल काफ़ी निकाल लिए हैं और आप खुद देख सकते हैं कि कितने यहाँ से सही लग रहा है ना थोड़ा। तो चलिए पूरी आईब्रो करके दिखाती हूँ मैं आपको। अब ये वाला जो पार्ट है ये इस वाले हैंड से इजी से नहीं होगा, तो ये वाला चलाना पड़ेगा मुझे। तो मैं इस तरफ से, इस डायरेक्शन से बालों को रिमूव करूंगी। अब हम अपने बीच के जो ये हेयर है इनको पहले क्लीन करेंगे। तो हमने हमारा ये वाला पार्ट भी क्लीन कर लिया है काफी हद तक, और आईब्रो फोरहेड भी हमारा क्लीन हो चुका है। तब अब हम आईब्रो के ये वाले हेयर क्लीन करेंगे। आप अपनी आईब्रोज को थोड़ा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, क्योंकि हम इसको नीचे से तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे दोनों हाथ में ये थ्रेड है। अगर आप इसको लूज छोड़ देंगे तो आपकी स्किन निकल जाएगी, इसलिए इसको आप इस तरीके से टाइट कर कर ही रखें। इसको देखिए, तो चलिए अब हम इसे भी क्लीन कर लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, आईब्रो डन हो चुकी है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा हेयर रह गए, लेकिन मैं उन्हें नहीं निकालूंगी क्योंकि अभी के लिए ये परफेक्ट है।
थोड़ा कुछ तो पार्लर वालों के लिए भी छोड़ देते हैं। देखिए आईब्रो डन हो चुकी है, ये देखिए ये था मेरा आज का वीडियो आईब्रो को लेकर। तो आप भी घर पर अपनी आईब्रो इस तरीके से बना सकते हैं। तो कैसा लगा आप सबको मेरा आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।